हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू पोलन ग्रेन। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, बट कई बार इन पर राइट शॉर्ट नोट आ जाता है, तो ये दो तीन टर्म हैं जो पोलन ग्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली हमारी टर्म है पोलन वाइबिलिटी, यानी पोलन वाइबिलिटी के ऊपर कई बार नोट आपने देखा होगा, दो नंबर में आ जाता है। पोलन वाइबिलिटी का मतलब है द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन, यानी कि ये वो समय है जिस समय तक पोलन ग्रेन जर्मिनेशन की पावर अपने अंदर रख सकता है। द पीरियड फॉर विच, जिस समय तक पोलन ग्रेन पावर ऑफ जर्मिनेशन अपने अंदर रख सकता है, उस पीरियड को हम क्या कहेंगे, पोलन वाइबिलिटी। ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन आज बना तो वो सालों साल ऐसे ही रहेगा, जब तक जर्मिनेट नहीं कर जाएगा, जब तक स्टिग्मा के ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसा नहीं है। पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी इसी बात की तरफ इशारा करती है कि कुछ पोलन ग्रेन थोड़े समय के लिए वाइबल होते हैं या जिंदा रहते हैं, उस समय के दौरान अगर वो जर्मिनेट करके तो ठीक है, नहीं तो वो डेस्ट्रॉय हो जाएंगे। और कुछ स्पीसीज के पोलन ग्रेन लंबे समय तक भी वो रह सकते हैं और जर्मिनेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोलन ग्रेन ऑफ वीट, राइस एक्सेट्रा कैन बी वाइबल अप टू 30 मिनट्स। आप देख सकते हैं जो वीट और राइस के जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट तक वाइबल है। अगर इसके बाद वो देखे जाएंगे तो वो उनके अंदर जर्मिनेशन करने की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। अब जैसे हम दूसरा एग्जाम, इन सम फैमिली लाइक रोजेसी या सोलेनेसी या क्रेनुलोसी, एक्सेट्रा, इनके अंदर जो पोलन ग्रेन है रोजेसी, सोलेनेसी, ग्रेनुलोसी, इन फैमिली के अंदर पोलन ग्रेन शो वाइबिलिटी अप टू मंथ, यानी के महीने तक इन फैमिली के जो प्लांट है, उन प्लांट के जो पोलन ग्रेन है वो वाइबल रह सकते हैं। अगर हम देखें, अगर ये चाहें कि पोलन ग्रेन को लंबे समय तक हमें बचा के रखना है तो उसको हम फिर परिजर्व करेंगे ऐसे। इफ पोलन ग्रेन प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड देन दे शुड प्रिजर्व थ्रू क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर हम ये चाहते हैं कि पोलन ग्रेन को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जाए तो उसको एक टेक्निक है, उस टेक्निक के तहत हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, और उस टेक्निक का क्या नाम है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होती है, इन दिस टेक्निक पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन
एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, और वो कितना है वेरी लो, -196 डिग्री सेल्सियस फॉर लॉन्ग पीरियड, फॉर लॉन्ग पीरियड, उसको हम क्या कहेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में पूर्ण ग्रह को लंबे समय तक फ्रीजर करके रखना है तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो इनको लिक्विड नाइट्रोजन में डालना पड़ेगा और -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर इनको रखना पड़ेगा, तब ये लंबे समय तक क्या रह सकते हैं, प्रीजर। तो कोलन की वायबिलिटी वैसे 30 मिनट से लेके महीने तक भी हो सकती है, अगर हम क्रायो प्रिजर्वेशन से इनको बचाएंगे तो ये और लंबे समय तक प्रीजर रह सकते हैं। तो ये थी हमारी कोलन वायबिलिटी। इसी कड़ी में जो अगली टर्म है वो टर्म है हमारी कोलन एलर्जी। क्या है कोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी, जब पोलन ग्रेन बहुत सारे रिलीज हो और हवा में मिक्स हो जाए, एयर में मिक्स होने के कारण अगर वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती हैं, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, पोलन एलर्जी। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, when large number of pollen grain mix into the air and goes to respiratory tract then cause many respiratory problem, many respiratory problem या pollen allergy। तो ये हवा में मिक्स होके और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को पहुंचाते हैं। सम कॉमन जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम due to pollen आर जैसे rhinitis, asthma, bronchial allergy etc. यानी कि rhinitis, asthma या bronchial allergy, इस तरीके से जो pollen grain हमारे respiratory tract के अंदर चले जाते हैं तो वो problem create करते हैं। अब वह कौन से plant हैं जो इस तरीके की pollen allergy के लिए responsible हैं? Some plants like carrot grass, Parthenium का पौधा, जैसे cannabis sativa का पौधा, amaranthus जैसे Chenopodium, सोरगम, ये जो इस तरीके के जो पौधे होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सभी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर ये पोलन एलर्जी के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन जब ये रिलीज करेंगे तो वो हवा में मिक्स हो जाएंगे और फिर वो जो कंटामिनेटेड एयर है जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगी, तो मैंने आपको बताया था वो जो कॉमन जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाएगी ऐसे, इस तरीके से। और जो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ये पार्थेनियम और
ये कहाँ से आया? जो इम्पोर्टेड वीट है, इम्पोर्टेड जो वीट है उस, यानी कि जो हमने वीट बाहर से मंगवाया है उसके अंदर ये जो पार्थेनियम, पार्थेनियम और जो कैरेट ग्रास है, कैरेट ग्रास वो एज ए कंटामिनेट, कंटामिनेंट के रूप में आया है। जो पार्थेनियम और जो कैरेट ग्रास के जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो इनके सीड्स हैं, वो इम्पोर्टेड वीट के साथ आया है और वो एक मेजर कोज माना जाता है पोलन एलर्जी का, मेजर कोज हो पोलन एलर्जी। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे अगर जो हम कैनाबिस की बात करें, कैनाबिस करीबन 5 लाख पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। अगर वन टेसल ऑफ अगर मेज की बात करें तो 20 से 25 मिलियन वो पोलन ग्रेन रिलीज करता है। वन टेसल ऑफ मेज एक प्लांट है, मर्क्यूरेलिस ये जो प्लांट है 135 मिलियन पोलन ग्रेन रिलीज करता है। यानी कि ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं। अब और वो पोलन ग्रेन हवा में मिक्स हो जाएंगे, हवा के रास्ते वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के रास्ते वो हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक को वो खराब करेंगे और जिसको हम पोलन एलर्जी कह रहे हैं, क्योंकि एलर्जी पोलन ग्रेन के कारण हुई है। ये दो तरीके के जो पार्थेनियम और जो कैरेट ग्रास है, इनके जो पोलन ग्रेन और शीट जो वीट जो हमने मंगवाया है, जो बाहर से मंगवाते हैं, उसके अंदर एज ए कंटामिनेंट के रूप में आए और आज पर एक मेजर कोज बना हुआ है पोलन एलर्जी का। तो ये था हमारा पोलन एलर्जी, दूसरी टर्म रिलेटेड टू पोलन ग्रेन। अब है पोलन प्रोडक्ट, तीसरी टर्म जो वो भी किससे जुड़ी हुई है, पोलन ग्रेन से। तो वो तीसरी टर्म कौन सी है? पोलन प्रोडक्ट। पोलन प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड, when product synthesized from pollen grain और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं specially collected by honey bees। यानी के when product synthesized from pollen grain, जब कुछ प्रोडक्ट पोलन ग्रेन से बनाए जाएं और वो पोलन ग्रेन जो किसने इकट्ठे किए हैं, हनी बी, एंड यूज्ड फॉर हेल्थ केयर के लिए, कॉस्मेटिक्स के रूप में एंड अदर फूड सप्लीमेंट्स के रूप में। यानी कि जब पोलन ग्रेन को प्रोडक्ट के रूप में सिंथेसाइज किया जाए, कौन से पोलन ग्रेन जो हनी बी के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, किस पर्पज के लिए, हेल्थ केयर के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए या फूड सप्लीमेंट के लिए, देन सच प्रोडक्ट्स आर कोल्ड, बताओ क्या कहेंगे उनको, पोलन प्रोडक्ट। तो क्योंकि वो पोलन ग्रेन से बनाए गए हैं, वो हेल्थ केयर के लिए, कॉस्मेटिक्स या फूड सप्लीमेंट के लिए बनाए गए हैं, इसलिए उनको हम पोलन प्रोडक्ट्स कहते हैं। दीज प्रोडक्ट्स कैसे, दीज प्रोडक्ट्स टेकन एज, हम किस रूप में ले सकते हैं, टैबलेट्स के रूप में ले सकते हैं, सीरप्स के रूप में ले सकते हैं,
हम इनको मेडिसिन के रूप में ले सकते हैं, यानी कि जो ये प्रोडक्ट हैं इनको टैबलेट्स के रूप में, सिरप्स के रूप में या मेडिसिन के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये बताओ कि ये प्रोडक्ट पोलन ग्रेन के बनाते हैं, ऐसी क्या चीज़ है पोलन ग्रेन में कि ये हमारी हेल्थ या जो कॉस्मेटिक है या जो फूड सप्लीमेंट का काम करते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट एंड सम अदर सब्सटेंस, यानी कि जो दूसरे और सब्सटेंस हैं, जो मिनरल्स हो सकते, जो विटामिन्स हो सकते हैं, जो और जो दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, वो पोलन ग्रेन में खूब सारी हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर, प्रोटीन भी और फैट। हम अगर कार्बोहाइड्रेट की देखें तो ये 24% टू 48% पाया जाता है पोलन ग्रेन के अंदर। अगर हम प्रोटीन की बात देखें तो ये प्रोटीन 6 to 26% तक प्रोटीन में हो सकता है। अगर हम फैट की बात देखें 0.9 to 14.5% तक इनके अंदर क्या हो सकता है फैट। दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स। क्योंकि इनमें ये सारी चीजें हैं जो फूड का भी काम करती हैं, भाई कॉस्मेटिक्स के रूप में भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी के लिए, हेल्थ केयर के लिए। तो ये दो तीन छोटी छोटी सी टर्म थी जो पोलन ग्रेन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट अब हम करेंगे जो फ्लावर का जो फोर्थ पार्ट था वो गाइनोशियम था, जो पिस्टन से मिलके बना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार करें।